नमस्कार मित्रों, फरी एक वक्त अपनी यूट्यूब चैनल में तमारू स्वागत है। आज आप धोरण पांच विषय हिंदी की प्रथम सत्रांत कसोटी ऑक्टोबर 2021 प्रश्नपत्र संपूर्ण सॉल्यूशन मेळवीशुं। ते पहला हजू सुधी जो आपने आ चेनल सब्सक्राइब न करी हो तो अत्यारे ज करी लो, तो तमारा मित्रों ने पण सॉल्यूशन मळी रहे ते माटे तेओने पण आ वीडियो शेर करो। चलो मित्रों जो धोरण पांच विषय हिंदी जेना कुल गुण है 40। पहलो सवाल है, योग्य विकल्प पसंद कर जवाब लखो जेना त्रण गुण है। पहलू, सत्रह को शब्द में कैसे लिखा जाता है, तो आप जवाब आवशे सी सत्रह। त्यारबाद से 39 को शब्द में कैसे लिखा जाता है, तो आप जवाब आवशे ए 39। त्यारबाद से निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द फूल का नाम नहीं है, तो आप जवाब आवशे बी लौकी। त्रीजू से निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सब्जी का नाम है, तो जवाब आवशे ए प्याज। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनाज का नाम नहीं है, तो जवाब आवशे बाजरा। विरुद्धार्थी शब्द कयो छे दायानो, तो आवशे बी बाया। 8400400400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी आपके व्हाट्सएप पर अपने फोन पे डाउनलोड का 8400400400 नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए, और जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT जी नीट CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए, तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8400400400 अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो जवाब आवशे लंबी गर्दन वाले प्राणी का नाम जिराफ है। हाथी कहाँ खड़ा है, तो जवाब आवशे हाथी एक पेड़ के आगे खड़ा है। त्यारबाद से शेर कहाँ छुप कर बैठा है, तो जवाब आवशे शेर पत्थर के नीचे छुप कर बैठा है। आगळ छे हिंदी में लिखी अहीं चित्र आपेला छे तेनो शुं कही शकाय हिंदी में, ते लखवानुं छे। तो पहेलुं आवशे साइकिल, बीजू बैलगाड़ी अने त्रीजू ट्रेन। प्रश्नों के उत्तर लिखिए, आप कौन कौन से फल खाना पसंद करते हैं, तो जवाब आवशे मैं अनार, पपीता, अंगूर, केला, सेब, अमरूद, जामुन, चीकू, नारंगी, आम आदि फल खाना पसंद करता हूँ। हमें अपने राष्ट्रध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं, रंगों के नाम लिखिए। तो कही शकाय हम अपने राष्ट्रध्वज को तिरंगा कहते हैं क्योंकि इसमें तीन रंग है, केसरिया, सफ़ेद और हरा। केसरिया रंग वीरता और बलिदान का प्रतीक है, सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है, हरा रंग समृद्धि और हरियाली का प्रतीक है। त्रीजू से राम ने नगरजनों को क्या समझाया, तो जवाब आवशे राम ने नगरजनों को समझाया कि इस समय माता पिता की आज्ञा करना सबसे बड़ा कर्तव्य है, जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूँ तब तक भरत आप सबके सुख दुख का ध्यान रखेंगे। त्यारबाद से गीता ने किसे पत्थर बताया, तो जवाब आवशे गीता ने कछुए को पत्थर बताया। आगळ से खाली जगह पूरो, पहलू खाली जगह निकलने पर पक्षी चुगने के लिए निकल पड़ते हैं, तो जवाब आवशे सूरज। बीजू से आप कहाँ जा रहे हैं, तो जवाब आवशे है। त्यारबाद जो काव्य पंक्ति पूर्ण करो, रस्ते पे चलूंगा ना डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के, मंजिल से पहले न लूंगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। आगळ से जोड़का जोड़ो, ए जी मार, तो आवशे प्रमाणित खाद चीजों का निकाल। बीजू से EXP, तो आवशे उपयोग का अंतिम दिना। त्यारबाद खाली जगह से, खाली जगह पांचवी कक्षा में पढ़ता हूँ, तो जवाब आवशे मैं। लड़के खेल खाली जगह रहे हैं, लड़कियां पढ़ रही है। त्यारबाद से शब्दकोश ने क्रम में गोठवानुं छे, तो कंईक आ प्रमाणे गोठवा छे। पहला आवशे कंकड़, पछी कमल, गमला, कसा अने क्षमा। आगळ जो किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। गले लगाना, तो आवशे प्यार से मिलना। वाक्य बनशे माँ अपने बेटे को गले लगाना चाहती है। बीजू से उत्तेजित होना, तो गुस्सा होना। वाक्य बनशे दादा अपने बेटे के लिए कुछ नई चीजें लाई, इसलिए बेटा उत्तेजित है। समानार्थी शब्द लखवानो छे दोस्तो थशे मित्र, कुटिया तो झोपड़ी। हिंदी में नाम लखो केळू, तो केला केरीनू थशे आम। हिंदी में एक नाम अनाजनू लखवानो छे चोखा, तो तेने थशे चावल, अने घऊं तो गेहूं। हिंदी में नाम लिखो कढ़ाई, तो हंडा, अने चीपियो तो चीपियो। चलो पांच छह वाक्य में निबंध लखवानो छे मित्रों, तमे स्क्रीन पर जोई शको छो। मेरा देश, तो केवी रीते लखी शकाय तमे जोई शको छो, जे तमारे वाचीने मोटे करीने जाते लखवानी कोशिश करवी, जेथी करीने तमने आवडी जाय। ત્યારબાદ એક કહાની પૂછેલી છે, ફકરો આપેલો છે, તેના ઉપરથી આપણે એક કહાની એટલે કે વાર્તા બનાવવાની છે, કેવી રીતે બનાવી શકાય તમે સ્ક્રીન પર જોઈ શકો છો, જે તમારે બનાવવાની રહેશે। ત્યારબાદ છે નિમ્નલિખિત વાક્યો કો ગુજરાતીમાં અનુવાદ કીજે। ચાલો ગુજરાતીમાં ભાષાંતર કરવાનું છે। પહેલું છે હમારે દેશ કા નામ ભારત હૈ, તો બનશે આપણા દેશનું નામ ભારત છે। બીજું છે મેને બસ કા ટિકિટ લીયા, તો મેં બસની ટિકિટ લીધી। મિત્રો આ તો હિન્દીનું સોલ્યુશન, આવે વિડીયો સાથે આપણે ફરી મળતા રહીશું। આપ સવે આ વિડીયો જોઈએ સાંભળીએ સમજ્યા તે બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર, ધન્યવાદ।